पीटीआई ने इमरान खान पर हमले के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमले की आला सतह पर तहकीकात करवाई जाए। इमरान खान पर कातिलाना हमले, आजम सवाती तशद्दुद और अरशद शरीफ कत्ल केस पर तहकीकाती कमीशन बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकीन असेंबली और सेनेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल कमीशन बनाने की तश्कील की इस्तदा की गई। ये भी इस्तदा की गई है कि इमरान खान पर हमले और तीन नामजद अफराद के मुकदमे का इंदराज न होने की तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर, कराची, पेशावर रजिस्ट्री में भी आईनी दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, शफकत महमूद, फवाद चौधरी और दीगर अराकीन पार्लियमान ने दायर की। सियासी फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं, पार्लियमान ने करने होते हैं। जहाँ पे फैसले नहीं करने होते वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो है वो फौरन फैसलों पे आ जाती हैं, और जहाँ करने चाहिए वहाँ पे आप मिनटें तरले करके थक जाते हैं। पीटीआई ने मुख्तलिफ वाकयात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी दरख्वास्त दायर की। वो कैसे फैसला करेगा कि मुल्क आगे कैसे बढ़ रहा है जो खुद मफरूरी काट रहा है, जो चोरी के इल्जाम में मुल्क से बाहर है, हमें ये कबूल नहीं है। इसी तरह की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर महमूद जान, सूबाई वज़रा आतिफ खान, शौकत यूसुफ सई, कामरान बंगश, डॉक्टर अमजद, सेनेटर उस्मान तरकई और खवातीन एमपीएस की जानिब से भी जमा करवाई गई।